फिर हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे कोल रह के हुज़ूर ने उन्हां दी तरबियत फरमाई, हुज़ूर ने उन्हां दी कफालत भी फरमाई। और हुज़ूर सलातो वसलाम ने जिस वेले आप दी आप जवानी चढ़े ते शादी दा वक्त आया तो हजरत सैयदना उमर रजी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप नू मशवरा दिता है कि तुसी जाके ते हुजूर कोलों हुजूर दी शहजादी दा रिश्ता तलब करो। तो हजरत अबू बकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो दे मशवरे दे नाल आपने हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम दी बारगाह वी जाके ते अपना मुद्दा बयान कीता, अपना रिश्ता मंगया ते हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने उन्हां नू ओ रिश्ता अता फरमाया। और हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने एक हदीस पाक विच इस तरह का भी जिक्र आता है कि हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि इन इस जोड़े दर पहले रिश्ता आसमाना उत्ते अल्लाह ने तय फरमाया, फिर अल्लाह ने हुजूर नू हुक्म दिता कि तुस ये रिश्ता हजरत अली करम अल्लाह वजुल करीम। और एक हदीस पाक विच हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने इना पांच तन दी खुदी शान बयान फरमाई कि फरमाया जिस वेले आदम अलैहि सलाम नू अल्लाह करीम ने तखलीक फरमाया पैदा फरमाया तो आदम अलैहि सलाम फरमांदे मैं जिस वेले अख खोली ना अल्लाह करीम दे अर्श दे सज्जे पासू मैनू कुछ नूर ऐसे नजर आए जेडे रकू और सजदे दी हालत विच मौजूद हैं। आदम अलैहि सलाम कुछ दिन या अल्लाह कौन से केड़े लोग ने कि केड़े नूर ने कि मेरी तखलीक तू पहले ये सजदे और रकू दे अंदर मौजूद ने तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये तेरी औलाद ने लेकिन ये ओ अफराद ने अगर मैं इन्हां नू पैदा ना करना होंदा तो मैं कायनात दी किसे शायद भी पैदा ना करना तो उन अफराद विच हजरत अली करम अल्लाह वजल करीम दी जाते अक्तस्मी।